हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आपका भी फेस बहुत ही ज़्यादा डल और डार्क लगने लगा है और इसके साथ अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स या फिर पिंपल्स और एक्ने के मार्क्स हो गए हैं, तो इसके लिए आपको बस नहाने से 5 मिनट पहले अपने फेस पर बस 2 से 3 मिनट के लिए एक स्क्रब अप्लाई करना है और इसको लगाने के बाद आपके फेस पर जितनी भी डल और डार्कनेस थी वो सब दूर हो जाएगी और फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर, ब्राइट और ग्लोइंग लगेगा। और इसको बनाते कैसे हैं तो चलिए देखते हैं। ये स्क्रब तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर चीनी का पाउडर लेना है। आप चीनी को पीसकर उसका पाउडर बना लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे। चीनी आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करके स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करती है। उसके बाद आपको इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करनी है। हल्दी आपके एक्ने और पिंपल्स को दूर करती है और साथ ही साथ जितने भी काले धब्बे हो जाते हैं उन सबको रिमूव करती है। उसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करना है। नींबू आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट बनाता है। उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है और किसी भी तरह के पिंपल्स, एक्ने या फिर रेडनेस को भी दूर रखता है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नहाने से पहले आप इसको अप्लाई करके हल्का सा स्क्रब करेंगे। अब आप इस स्क्रब को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और जब आप इसको अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ देंगे। उसके बाद आपको हल्के हाथों से अपने फेस पर स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करती हैं। और जब आप हल्के हाथों से स्क्रब करते हैं तो आपके फेस पर जितनी भी डार्कनेस या फिर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उसको दूर करती है और साथ ही साथ फेस का ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ाकर फेस को बहुत ही ज़्यादा क्लियर, ब्राइट और ग्लोइंग बनाती है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये स्क्रब आप नहाने से पहले अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी नेचुरल चीज़ों से बना है और आप देखिएगा कि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा चमक उठेगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।